जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए बैठती हूँ तो नॉइज इतनी ज्यादा आती है। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब कोई हॉर्न आ रहा हो, कोई तेज़ गाड़ी आ रही हो तो मैं चुप हो जाऊँ। इनफैक्ट हमारे पड़ोस में एक वेल्डर की दुकान है और वो वेल्डिंग जब करते हैं तो भी मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन ऐसा कोई माहौल ही नहीं है कि मैं इत्मीनान से बात करूँ। हर जगह नॉइज़ है। मैं अपने रूम में जाती हूँ तो वहाँ पे शॉप की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, महिलाओं की आवाज़ आती है, भैया ये दिखा दो, भैया वो दिखा दो, भैया डिस्काउंट कर दो, भैया ये कर दो, या ये ऑर्डर देना है, तो उसमें सारा का सारा ध्यान चला जाता है। तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि कब बात करूँ। सुबह करना शुरू करो तो सुबह भी दूध वाले निकल रहे हैं, कचरा वाली गाड़ी आ जा रही है, सब्जी वाले आ जा रहे हैं, मतलब एनी हाउ बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो उसके लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ, भले मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़े, मुझे पॉज कर करके बनाना पड़े, जो भी हो मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी समहाउ ऐसा कभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बोल रही होती हूँ और उसी समय सुर से कोई गाड़ी निकल जाती है तो उस समय ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से ना आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप क्या बात कर रहे हो, क्या सामने वाले से बोलना चाह रहे हो, वो सारी बातें वहीं के वहीं रह जाती हैं। सो बस मैं उन लोगों से इतना ही कहूँगी कि एडजस्ट कर लीजिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश भी मैंने की पर नहीं हो पा रहा है, बहुत नॉइज़ है हमारे मोहल्ले में। एकदम जो होती है ना कॉमन सड़क जो होती है, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, बड़े बड़े पार्सल वाले वो आते हैं ना डंपर टाइप के, वो जा रहे हैं, पानी का टैंकर आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। कल शाम को तो बाप रे क्या गजब का आंधी तूफान और बहुत तेज़ बारिश हुई है दोस्तों। इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ हवाएं कि हमारे कुछ गमले भी गिर गए, और उत्कर्ष की छोटी सी चेयर उड़ के दूसरी दिशा में चली गई। इतना ज़्यादा मतलब तेज़ कल का बता रहे हैं। हमारी शॉप में एक बहुत ही प्यारी सी डिस्प्ले की अलमारी है, वो अलमारी ऐसे ऐसे हो रही थी, तो उत्कर्ष के चाचू ने जल्दी से जाके उसे अंदर किया, नहीं तो वो पूरा कांच वाँच बिखर जाता फर्श पे। आसपास एक दो लोगों के घर के कूलर उड़ गए। कल के तूफान ने थोड़ा सा जो है ना, एक कहते हैं ना कि एक टेलर दिखा दिया है कि अब आने वाले समय में कितना तेज, कितना भयानक बारिश का मौसम रहेगा, कैसा तूफान आ सकता है। सभी लोगों को सचेत कर दिया है कि भैया तुम लोग तो अवेयर रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हम लोगों के यहाँ उस टाइम से जो लाइट गई है, मतलब 5 o'clock से लाइट गई है, और वो पूरी रात 12-1 बजे लौट के आई है। हम लोगों का इन्वर्टर ख़त्म हो गया था, हमने तो सारा काम उसी से किया। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ बहुत कम कटिंग होती है इसलिए हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कल जो है हम लोगों की बैंड बजी हुई थी। लेकिन मौसम में ठंडक थी इसलिए मैं और उत्कर्ष तो लॉन में ही अपना बिस्तर लगा के लेट गए। मच्छरदानी मैंने लगा दी थी क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे थे बाहर। हम लोग वैसे भी नहीं सोते हैं, बहुत परेशानी होती है, ऊपर से इसके पापा भी नहीं हैं। सो कल का दिन हम लोगों का ऐसे ही रहा। अब ये सब तो लगा ही रहेगा दोस्तों। एज़ यूजुअल दोस्तों आसपास के नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि अब लाइट कटिंग हो रही है, बारिश में आंधी में ही लाइट काट देते हैं वो लोग, काफ़ी काफ़ी देर तक के लिए नहीं आती हैं, तो वेल्डिंग वाले भैया लोग इस समय वेल्डिंग कर रहे हैं, और जिन जिनके घर की छप्पड़ उड़ गई थी वो लोग अपनी छप्पड़ मजबूत कर रहे हैं। बहुत सारे शेड्स उड़ गए थे, मतलब हम लोग के घर में जो कैमरा लगाया ना शॉप में, हम लोग तो उसमें देख रहे थे कि कैसे सबके बोर्ड इधर उधर हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल था कल। सो मौसम इतना सुहावना है तो खाने में हम लोग थोड़ा सा तो चटर पटर यूज़ कर ही सकते हैं। तो आज मैं जो है नागपुरी पोहे बनाऊंगी। नागपुरी पोहे में ना थोड़ी ग्रेवी डाली जाती है, बहुत ही अच्छे चटपटे और खूब तीखे से पोहे होते हैं। पोहा तो प्लेन बनता है, उसके साथ जो तरी होती है ना उसका ही सारा कमाल होता है दोस्तों। तो इस मौसम में बारिश के मैं 2-3 बार तो इसे बनाने वाली हूँ, तो आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ। आगे देखते हैं कितनी बार हम लोग इसे ट्राई कर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं पोहे की तरी तैयार कर ले रही हूँ। ये सारे मसाले थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल के मैं पहले प्याज को भून लूँगी, और सभी मसाले भी भून जाएंगे साबुत जो भी हैं, और फिर इन्हें ठंडा करके हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और फ़ौरन डालेंगे। उसमें आप तेज़पत्ता, करी पत्ता, जो भी आप अपनी पसंद के मसाले हैं वो ऐड कर लीजिए, और आप चाहें तो इस प्याज के साथ टमाटर प्यूरी भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से नींबू डाल दूँगी। और सभी चीज़ें अच्छी तरह से डाल के, नमक वगैरह डाल के इसकी तरी में पतली रखेंगे हम, और बाद में इसमें लाल मिर्च का हम फ़ौरन लगाएंगे। एक तरफ मैं प्लेन जो है पोहा बना ले रही हूँ, जैसा हम नाश्ते के लिए नॉर्मल पोहा बनाते हैं वैसा पहले मैं बना ले रही हूँ, और इसमें काफ़ी बारीक प्याज काट कर मैं डालूँगी। मूँगफली के साथ ही उसे भून ले रही हूँ, सारे मसाले वगैरह डाल के भून ले रही हूँ, और पोहा डाल के थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे चलाते हुए
मिला लूंगी और इसे ढककर मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। नमक आप स्वादानुसार डाल लीजिए। अब मैं जो तरी मैंने बनाई है उसमें लाल मिर्च का जो है कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगा रही हूँ देसी घी में दोस्तों, और नींबू मैं सबकी प्लेट में अलग से दे दूंगी, अपने स्वाद के हिसाब से सब लोग डाल लेंगे। पोहे में मैं थोड़ी सी सूखी मूंगफली जो भुनी हुई होती है ना उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ क्रंचीपन लाने के लिए। अब इसे सर्व करते हैं। प्लेट में हम पहले पोहा रख देते हैं फिर इसके ऊपर हम ग्रेवी डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी है। और दोस्तों हमारे यहाँ एक जो न्यूज़पेपर आता है उसमें हर वेडनेसडे को एक पत्रिका आती है मधुरिमा, तो उसमें ना हमेशा हेल्थ के लिए रेसिपीज और बहुत सारी चीजें रहती हैं कि बच्चों को क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए, कैसे उनकी छुट्टियों का सदुपयोग करें वगैरह वगैरह। तो अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय ऐसे ही फालतू का है तो मैं भी उठा के देख लेती हूँ। पहले तो मैं नहीं देखती थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, और दूसरी बात यह कि उसकी जो रेसिपी होती थी मैं ये सोचती थी कि मैं तो इसे खा नहीं सकती तो क्यों देखूं। तो इस बार मैंने देखा पूरा उल्टा पलटा के, तो उसमें इस बार कुछ खास आया नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था कि महिलाओं को या एक एज ग्रुप के बारे में बताया था कि उस एज के बाद आपको अपनी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी, इनका चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है अचानक से सामने नहीं आती है, वो हमारी बॉडी में धीरे 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 पनप रही होती है और एक एज के बाद इनका खतरा बढ़ जाता है। तो महिलाओं को या पुरुषों को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने ये कॉलम ज़रूर से पढ़ा था और साथ में उसमें ये भी दिया हुआ था मतलब कि आपको 5 नियम जो है अगर आप उसे फॉलो करते हैं बचपन से ही, अगर आप उन 5 नियमों की आदत डाल लें अपने जीवन में, तो आपको बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों से जो है बचाया जा सकता है, आपके जीवन में बहुत सारे खतरे नहीं आएंगे, दीर्घायु मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने भी अपने घर में ये चीज़ें बचपन से देखी हैं। मतलब हम लोग बचपन में जब नहीं जानते थे कि ये सब क्या होता है, जल्दी क्यों उठा देते हैं पापा, मेरे पापा हम लोगों को 3:30-4 बजे उठा देते थे और उठाने के बाद वो हम लोगों को वॉक कराने ले जाते थे, और वो भी गीता पाठ करते हुए हम लोग वॉक करने जाते थे, 2 से 3 किलोमीटर हम लोग जो है वॉक करते थे। सुनसान रास्ता होता था, बस हम 3 भाई बहन और हमारे पापा, हम लोग पैदल जाते थे, लौटते टाइम पापा पोहा जलेबी खिला देते थे हम लोगों को और फिर हम लोग घर आते थे। तो ये हमारा बचपन का ही रूटीन था। धीरे धीरे कॉलेज में या और बड़े हुए तो पढ़ाई की वजह से जल्दी उठना है, या नियम है कि भाई चलो बनारस में जब हम रहे हैं तो गंगा घाट पे जा रहे हैं, घाट घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी प्यारी प्यारी हवा आ रही है तो थोड़ा प्राणायाम कर रहे हैं, मतलब समहाउ ये हम लोगों के रूटीन में शामिल था। तो मैंने वो 5 नियम आप लोगों के लिए भी पॉइंट आउट किए हैं कि मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कई लोग जो है जैसे मैसेज वगैरह करते हैं या मेल करते हैं तो मुझे पता चल जाता है, कई लोगों से मैं व्हाट्सअप से भी जुड़ गई हूँ और उन लोगों को समय समय पर कुछ कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए मैं ये बातें यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों दीर्घ आयु के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि हमें सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जब हम जल्दी उठ ही गए हैं तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो जाए, थोड़ा दंड बैठक हो जाए, थोड़ा वो श्वास वाली एक्सरसाइज हो जाए जिससे हमारे फेफड़े लंग्स मजबूत हो जाए। जब कोरोना का टाइम था दोस्तों तो लोगों ने शंख तक बजाना शुरू कर दिया था, प्राणायाम तो अपनी जगह था ही था, शंख से भी फेफड़े मजबूत होते हैं, तो अगर आप लोग शंख बजा सकते हैं तो 3 से 4 बार आप लोग शंख जरूर बजाया कीजिए एक दिन में। किसी भी तरह की सांस की बीमारी या निमोनिया में जो फेफड़ों में परेशानी हो जाती है या किडनी खराब होने की वजह से फेफड़ों में जो पानी वानी भर जाता है इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें ऐसा कुछ दिया था कि खाने को बहुत चबा चबा के और इत्मीनान से खाना चाहिए, हड़बड़ी में खाना नहीं खाना चाहिए। जो लोग वर्किंग में होते हैं वो तो बहुत हड़बड़ी में खाते हैं, जंक फूड खाते हैं कि बस पेट भर जाए किसी तरह और काम हमारा होता रहे, और जो लोग नहीं भी वर्किंग में हैं वो भी बस भूख लगी है तो जल्दी जल्दी खा लिया, पानी साथ में पी लिया, इस तरह से खाते पीते हैं। तो उसमें यह था कि आप 32 बार उसे एटलीस्ट चबा के खाइए, और पानी भी हमें एक साथ नहीं पीना है, हमको एक एक घूंट करके थोड़ा 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 पीना है। पानी नहीं, दूध हो, छाछ हो, शरबत हो, जो भी कुछ आप पी रहे हो, चाय हम लोग जरूर चुस्कियों में पीते हैं क्योंकि वो गर्म होती है, लेकिन बाकी चीजों को हम लोग सपाक अंदर। मैं भी ग्लास उठाती हूँ, नीचे बैठने का बस मुझे याद रहता है या मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ क्योंकि बैठ के पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं एक बार मुंह में लगाती हूँ तो पूरा खत्म करने के बाद ही फिर उसे हटाती हूँ। तो अब मैंने ये सोचा है कि कोशिश करूंगी थोड़ा 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 रुक के पानी पीना,
तो ये जितना हम लोग ध्यान दे सकते हैं, 32 बार चबाना तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी तरह से चबा के मैं खाऊंगी ताकि उससे पाचन भी हमारा अच्छा रहे और रक्त वृद्धि भी होती है इन सभी क्रियाओं से। ये सब क्रियाएं होती हैं दोस्तों जो पहले के लोग बहुत ज्यादा करते थे पर अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक उसमें दिया था पॉइंट कि आपको बहुत ही इत्मीनान से थोड़ी साधना करना चाहिए। साधना में ये नहीं कि हम आँख बंद करके ओम कर रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। उसमें ये दिया था कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आप चाहें तो ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और कुछ ना बने तो आप रिलैक्सिंग जो म्यूजिक आते हैं, बहुत ही स्मूथ म्यूजिक होते हैं, वो आप सुन सकते हैं। बहुत ही शांत म्यूजिक सुनने से ना दोस्तों हमारे हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को बहुत काम करते हैं। देखा होगा कि जो लोग जिमिंग करते हैं वहाँ पे बहुत फास्ट म्यूजिक लगा होता है क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो फास्ट म्यूजिक हम सुनते हैं उससे हार्मोन्स जो हैं वो हमारे हमारी बॉडी में जल्दी 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 वर्क करने के लिए जो है प्रोत्साहित होते हैं। किसी को रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद होता है तो जब आप देखेंगे कि वो रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा है तो उसके हार्मोन्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की हो जाती है। तो म्यूजिक में बहुत सारी जो है चीज़ें शामिल होती हैं दोस्तों। तो हमारे मन को शांत करने में, हमारे ध्यान में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी योगा कैंप वगैरह होते हैं वहाँ बड़े बड़े स्पीकर होते हैं लेकिन चलता क्या है, ओ इस तरह के म्यूजिक चलते हैं, एक लय वाले, इस तरह के जो हमारे पूरे शरीर को शांत करें, श्वास धीरे धीरे हम लें फिर धीरे धीरे छोड़ें, इस तरह के म्यूजिक जो है चलते हैं। तो उसमें यही था कि आपसे जो प्रक्रिया बनती हो, जो क्रिया बनती हो वो आप कीजिए, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, बस 15 मिनट आपको ध्यान करना है। लास्ट उसमें यही था कि क्या आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सेस एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए कि वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट ही कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना ही खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो बस आवारा की तरह घूमे जा रहे हैं। हर एक चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, एक्सेस हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो ये तो हम लोग शायद किसी भी युग के हों, हम लोग भी फॉलो करते हैं भैया एक्सेस नहीं करना चाहिए। और आज के ज़माने में तो बच्चों के लिए भी है कि बेटा ज़्यादा खेलो मत, ज़्यादा टीवी मत देखो, हर एक चीज़ एक रूटीन में करो। तो हम लोग भी अपने बच्चों को संस्कार में तो ये दे ही रहे हैं कि एक्सेस मत करो, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो यही फॉर्मूले उसमें लिखे हुए थे जीवन के, कि अगर आप इनको अपना लेंगे, 5 फॉर्मूले हैं, इनको अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप जो है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी ग्रोथ, अच्छा मन, अच्छा तन और अच्छा धन, धन का तो खैर इसमें कहीं कुछ नहीं था, लेकिन सब चीज़ें आप जो है गेन कर सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि धन तो जो है अगर हमारा मन शांत है, स्थिर है, बुद्धि तीव्र हो रही है, तो हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे या नौकरी पेशा करेंगे तो उसमें भी हमारी जो है उन्नति होगी और धन तो आएगा ही आएगा, आएगा ही करेगा ना। आज की अपनी बातों में मैंने फिर इसे एकदम नहीं बोलने दिया, हालांकि ये जो है ना एक्टिंग जो करता है उससे मेरा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ कभी कभी कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे 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 इसका ये सब चलता रहता है, अभी कितना भोलू बन के बैठा है। सो तुम्हें कुछ कहना है? नहीं कहना है। अच्छा, जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं उनको थैंक यू तो कर दो। थैंक यू गाइस। हैं? ओ गॉड, कितना प्रोफेशनल हो गया है ना ये चिरपुटुआ। सो दोस्तों, अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदा। आप लोगों को अगर ये बातें थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हों तो उन्हें फॉलो कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मदर भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि अब हमारा रूटीन हम लोग धीरे 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 सेटल कर ही रहे हैं कि जल्दी उठना है तो ये करना है तो ये करना है ना। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा कोशिश करके देख लीजिएगा, और मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा कि आप लोगों में से कितने लोग इन बातों को फॉलो करते हैं और कितने लोग फॉलो करना शुरू करने वाले हैं, या किसी के किसी काम की हैं कि नहीं ये बातें, ज़रूर बताइएगा। तो मैं लेती हूँ विदा आप लोगों से। आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर। अच्छा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इसका क्या मतलब होता है? शेयर मींस ऐसा, शेयर मींस नहीं होते ना, पता नहीं। खैर दोस्तों, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।